सही मैडी सही सही सत्या क्या हुआ आज कब से आवाज लगा रहा हूं कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा मेरी आवाज का क्या कर रही थी तुम कब से चिल्ला रहा हूं मैं वो एक्चुअली मैं ना तुम्हारे लिए स्मूदी बना रही थी मिक्सी चालू थी तो तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी सॉरी अरे सत्तू अंकल आप गुस्सा क्यों हो रहे हो अगर आप इतना गुस्सा करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना चलो अब से मैं आपकी असिस्टेंट तो आपको कुछ भी चाहिए होगा ना आप मुझे बुला देना मैं आ जाऊंगी ओके ओके बेटा सॉरी सत्या 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 क्या हुआ तुझे सत्या ये सब कैसे हुआ बारा ये हालत कैसी हुई तेरी जब मुझे पता चला ना मैं भागी भागी चली आई एक सेकंड भी मुझसे रहा नहीं गया वहां तू ठीक है ना सत्या आई सत्या ठीक है वो ठीक हो जाएगा प्लीज चिंता मत कीजिए पक्का ठीक हो जाएगा ना सही सही क्या तुझे लगता है कि हमें इसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए मुझे बहुत डर लग रहा है सही मेरा तो दिल बैठा जा रहा है क्या हालत होगी तेरी सत्या सत्या तू ठीक बस करना आई चुप हो जा तब से बोले जा रही है नहीं ठीक हूंगा तो नहीं ठीक हूंगा ना ऐसी लेटे लेटे मर जाऊंगा मैं जो होगा वो होगा तुम लोग प्लीज तमाशा करना बंद करो मुझे अकेला छोड़ दो भाई अब ऐसे हौसला हारोगे तो कैसे चलेगा देखिए सत्या अभी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है ऐसे में अगर आप अपनी बेचैनी अपनी घबराहट उसके सामने जाहिर करेंगी तो उसकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी ना वो तो रिकवर ही नहीं कर पाएगा आई आपको भरोसा रखना होगा हम सब है ना सत्या के साथ उसको कुछ नहीं होने देंगे वो ठीक हो जाएगा उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे हमें उसको पॉजिटिव रखना है आई उसके अंदर उम्मीद जगानी है कि वो ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक कह रही है सही बिल्कुल ठीक कह रही है अब ना मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ूंगी मेरे बेटे को ठीक करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा ना वो करूंगी मैं और मुझे यकीन है सही सत्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगा लेकिन तब तक तुझे उसका सहारा बनना पड़ेगा उसका ख्याल रखना पड़ेगा मुझसे वादा कर सही तू मेरे बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तू उसे हिम्मत देती रहेगी दिलासा देती रहेगी वादा कर सही मैं वादा करती हूँ आई मैं सत्या को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी सत्या दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा सत्या दोबारा चलेगा डॉक्टर विनायक चव्हाण मुझे अपने दोस्त मिस्टर सत्या से मिलना है कहाँ पर है वो ये क्या है तो डॉक्टर विनायक चव्हाण का कहना है कि मिस्टर सत्या को इनकी बहुत जरूरत है इसीलिए मिलवाने लाया हूँ है ना डॉक्टर विनायक यस यस ऑफ कोर्स आप मुझे उनसे मिलवाएंगे जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आइए आइए प्लीज आइए सत्या एक स्पेशलिस्ट तुमसे मिलने आए हैं कह रहे उनका मिलना तुमसे बहुत जरूरी है सही मुझे किसी से नहीं मिलना जो भी आया उनसे कह दो कि वापस चले जाए मुझे अकेला छोड़ दो लेकिन मैं तो आ गया सत्या अंकल मेरा मतलब है मिस्टर सत्या कैसे हो सत्या बस अभी रनिंग करके आया हूँ थक गया हाँ तो रेस्ट कर रहा हूँ इस हाल में और कैसा होऊंगा चलो बातें बाद में पहले चेक लंबी लंबी सांसें लो मेरे इलाज से आप ठीक तो हो जाओगे
लेकिन एक घंटा आपको मेरे साथ वीडियो गेम खेलना पड़ेगा। बोलो। हाँ जूनियर डॉक्टर, आपके साथ एक घंटा रोज वीडियो गेम खेलूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी छोटी बहन से मिल करो, दूसरे रूम में वो आपका इंतजार कर रही है। हाँ। Excuse me. मुझे वॉशरूम जाना। सत्या लाओ। एक मिनट। बस क्या दिखाना चाहते हो कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत है? मेरी बीमारी, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाना चाहते हो? सत्या ये क्या कह रहे हो? सत्या तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारी मदद। मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, और ये अचानक से तुम मेरे साथ इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? सही के सामने ये जताना चाहते हो ना कि अब तुम मुझसे बेहतर हो? मैं तो एक अपाहिज हूं जो खुद कुछ नहीं कर सकता। सत्या तुम गलत समझ रहे हो विराट को, उसका इरादा ऐसा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी मुझे मदद। कुछ नहीं सुनना सही, तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बीनू को लेकर जा रहा हूँ। सही, प्लीज तुम भी जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। विराट, विराट आई एम सॉरी, वो सत्या परेशान है तो उसने ये सब कह दिया, फ्रस्ट्रेटेड फील। मैं जानता हूँ, इट्स फाइन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वक्त पर मैं तुम्हारी जगह पर था। मतलब? बाकी हर बात को गलत नजरिए से देखती थी, तुम्हारा डर उसके मन में बैठ गया था। तुम मीनू को ले जाना चाहते हो ना, ले जाओ, लेकिन उससे पहले मुझे मरना होगा। आज शायद सत्या को भी यही महसूस हो रहा है। जिंदगी भी क्या अजीब अजीब खेल खेलती है, वक्त का पहिया घूमकर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने मेरी जगह ले ली और मैंने तुम्हारी। खैर, तुम प्लीज परेशान मत हो, मुझे बुरा नहीं लगा है। ओके, मैं बीनू को लेकर जा रहा हूं। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी विराट, तुम्हें कह दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इतना प्यार जितना कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। तुम्हारे बगैर जीना तो क्या, तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और अब पता नहीं मैं तुम्हें ये सारी बातें कभी बता भी पाऊंगी या नहीं। जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। सही, विराट से कहना यहाँ ना आया करे, सत्या को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया।
लेकिन आई विराट की कोई गलती ही नहीं थी। विराट तो विनायक को लेकर आया था, वो सत्या से उसका हाल पूछ रहा था और सत्या ने बेवजह ही उस पर। सही, तू सत्या की हालत देख रही है ना, उसकी बीमारी की वजह से पहले वो चिड़चिड़ा हो चुका है, गुस्सा भरा पड़ा है उसके अंदर, परेशान है वो, हताश है। ऐसे में अगर उसे कोई बात या किसी इंसान से चिढ़ हो रही है तो तुझे नहीं लगता कि उसके पीछे एक ही वजह है? लेकिन आई देख सही, अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है और वो ये है कि सत्या को खुश रखना। अगर वो खुश रहेगा ना तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर है ना सईद, तू तो समझ ही सकती है, ऐसे हालात में इंसान सबसे पहले अपनी उम्मीद खो बैठता है। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसे वो खुद को छोटा महसूस करने लगे तो बात और बिगड़ सकती है। सही देख, सही तूने ही कहा था ना कि हमें उसे उम्मीद देनी होगी, उसे पॉजिटिव रखना होगा। लेकिन अगर विराट यहाँ ऐसे आता जाता रहेगा तो सत्या खुद को छोटा महसूस करेगा, उसका डर और बढ़ता जाएगा। इसलिए प्लीज सही, इस बात को समझ और विराट से दूर रह। विराट, अब कैसी तबीयत है सत्या की? सही ने कुछ कहा कब तक ठीक हो जाएगा? अभी तक कुछ ठीक से पता नहीं चला है। ऐसा का सर, सही और सत्या दोनों भी तो डॉक्टर है, उन्हें तो पता होना चाहिए ना क्या बीमारी है। क्या वो दोनों किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने वाले हैं क्या? मस्त मस्त, तुझे क्यों इतनी पड़ी है सत्या की? कौन सा उसके ठीक हो जाने से हमारे विराट का घर आबाद हो जाएगा? अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं, सत्या के ठीक होने से ही विराट की खुशियां जुड़ी हुई है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि सत्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पापा, मुझे स्कूल से एक असाइनमेंट मिला है, टीचर ने कहा है कि मैं फिर से आई के साथ उनके हॉस्पिटल जाऊं और वहां पर एक रिपोर्ट बनाऊं। पिछली बार की तरह उन्होंने मुझे कहा है मैं बाकी बच्चों को भी बताऊं कि वहां पर एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, उन्हें मेरा लास्ट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। पापा, तुम मैं आई को कॉल करके बोल दूं कि वो मुझे अपने साथ ले जाए। नहीं बड़ा, आपकी आई अभी सत्या अंकल के साथ है ना, सत्या अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें परेशान करना भी ठीक नहीं होगा। मैं ले चलूंगा आपको, ठीक है? अश्विनी, ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कहां डाल रही हो ये? क्या हुआ अश्विनी, इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, परेशान तो पहले से थी, लेकिन जब से विराट ने सत्या की बीमारी के बारे में, उसके पैरालिसिस अटैक के बारे में बताया है, तब से देख रहा हूं कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। क्या हुआ अश्विनी, बात क्या है? दो दिन पहले मैं सही से मिली थी। मैंने उसे बताया तुम्हारी खुशियां विराट के साथ ही है। मैंने बहुत बड़ी गलती की नीना, मैंने ही सही को विराट से दूर होने को कहा था, वो भी इस तरह कि विराट के मन में उसके वापस लौटने की कोई भी उम्मीद ना बचे, इसलिए उसने सत्या से शादी कर ली। क्या सही को दूसरी शादी करने के लिए तुमने कहा था? मैंने उसे शादी करने के लिए नहीं कहा था नीना, लेकिन इतना जरूर कहा था, जब तक तुम अकेली हो विराट भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही पत्रलेखा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से गुजार पाएगा, वो हमेशा तुम्हारे पीछे भागेगा। और देखिए तो पत्रलेखा ही हमारे विराट को छोड़ के चली गई। अश्विनी, अश्विनी, तुमने सही से अब क्या कहा है? मैंने उसे कहा
तुम्हारे जाने के बाद विराट की जिंदगी, उसका हाल बहुत बेहाल हो गया है। कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम विराट की जिंदगी में वापस आ सको? अश्विनी, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये कैसे कह सकती हो तुम? सत्या से शादी हो चुकी है सही की, अरे ये कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल है क्या? मन चाह चल दिए, मन चाह वापस आ गए। मुझे पता है ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है निनाद, लेकिन एक माँ के दिल को कौन समझाएगा? वो तो अपने बच्चे की खुशियां ही चाहती है ना, मैं क्या कर सकती थी? आपको तो याद जब सही और विराट साथ में थे, तब मैंने ही सबको समझाया था, मैंने ही सबको बताया था कि जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब दोनों के ऊपर कोई ना कोई विपदा जरूर आएगी, दोनों किसी ना किसी मुसीबत में जरूर पड़े। आज देखिए दोनों अलग हो गए, आए दिन दोनों के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है ना। अश्विनी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। बात क्या है, सत्या की बीमारी के बारे में सुनने के बाद तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? असली वजह क्या है बताओ। मुझे पता है निनाद, सही अपने फर्ज को चुनेगी। ये विराट और सही के दोनों में ये एक चीज एक जैसी है, हमेशा अपनी खुशियों के आगे अपने फर्ज को रखते हैं। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, वो सत्या को ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ेगी। वो सत्या के प्रति अपना जो फर्ज है वो फर्ज जरूर निभाएगी और अपने विराट से दूर हो जाएगी। कि दोनों के प्यार के बीच में ये जो फर्ज की दीवार है ये कब गिरेगी? कब ये दोनों अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे? अश्विनी, अश्विनी यहाँ देखो और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, सही का विराट की जिंदगी में वापस आना नामुमकिन है। बेहतर होगा तुम भी अपने मन में ऐसी कोई आशा न रखो। जिंदगी भी क्या अजीब अजीब खेल खेलती है, वक्त का पहिया घूमकर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने मेरी जगह ले ली और मैंने तुम्हारी। मीनू हमारा बेटा है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सही, हमारे बेटे को हमसे दूर ले जाने की सोचना भी मत। क्या विराट भी इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ था? क्या उसके मन में भी प्यार और फर्ज के बीच में जंग चल रही थी? क्या यही वजह थी कि वो वापस मेरे पास कभी नहीं आया? शायद वो पुतलेखा की जिद के आगे मजबूर था। आज जब मैं उन्हीं हालातों से जूझ रही हूँ तो समझ आ रहा है कि एक ही कश्ती में सवार है। सही, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। मैंने कल बहुत रूड बिहेव किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं सबसे इतना बदतमीजी से पेश आया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। नहीं सही, नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मैं तुम पर भी इतना चिल्लाया और विराट को भी मैंने इतना भला बुरा कहा, उससे इतनी बदतमीजी की, पता नहीं। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी सही, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।